गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बी हाइव्स का चैप्टर सिक्स, माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। हाँ, जिसमें जिसको कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, उनकी ऑटोबायोग्राफी, जिन ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, यानी अग्नि के पंख, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से अब्दुल कलाम जो हैं, उनकी माता जी और उनकी दादी माँ जो हैं, वो रामायण से संबंधित घटनाओं की कहानियाँ और प्रॉफिट मीन्स और पैगंबर की कहानियाँ जो थी, जब रात्रि का समय होता था और सोने के लिए जब वो बिस्तर पे जाया करते थे, तो उनकी माता जी और दादी माँ के द्वारा जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, इस प्रकार की कहानियाँ सुन करके उन पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो आगे इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे बिहाइव्स का चैप्टर नंबर सिक्स, माय चाइल्डहुड, जिसको कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में अपने बचपन के बारे में बताया है। तो किस प्रकार से रात्रि के समय में वो सब भी जब सोने के लिए जाते हैं, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनकी माता जी और उनके दादी माँ जो हैं, वो रामायण से संबंधित घटनाओं की कहानियाँ और प्रॉफिट मीन्स पैगंबर की कहानियाँ जो हैं, वो उनको सुनाया करती थी। उन सभी का उल्लेख करते हुए इसको ध्यान में रखते हैं हम अपने आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। वन डे वेन आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं फिफ्थ क्लास में रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल मीन्स प्राथमिक विद्यालय, तो मैं रामेश्वरम के एक दिन जब मैं प्राथमिक विद्यालय में फिफ्थ क्लास में पढ़ता था, तो एनी टीचर केम टू आवर क्लास, तभी एक नए अध्यापक जो कि मेरी क्लास के अंदर आए। आई यूज टू वियर अ केप, मैं सिर पे टोपी पहना करता था, विच मार्क मी एज मुस्लिम, जिससे कि यह पता चल सके कि मैं मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हूँ, मैं मुस्लिम समुदाय का बच्चा हूँ। एंड आई आर सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू द रामानंद शास्त्री, और फिर उनके द्वारा मुझे ये कहा गया कि तुम जो है, और मैं जो था रामानंद शास्त्री के साथ अगली पंक्ति में, सामने की पंक्ति हुआ करती थी, उसमें मैं उनके साथ बैठा करता था। हु वोर ए सेक्रेड थ्रेड, जो कि एक बहुत ही पवित्र धागा जो थे, जिसको वो पहना करते थे, जिसको कि हम कह सकते हैं कि जनेऊ धारण करना, ब्राह्मण व्यक्ति जो होते हैं वो एक पवित्र धागा जनेऊ जो है, सेक्रेड थ्रेड में जनेऊ को धारण करते हैं, वो धागा जो है, चूँकि वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने वो पवित्र धागा जनेऊ को धारण कर रखा था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, अब वो नए अध्यापक, न्यू टीचर जो थी, कुड नॉट स्टमक मैंने कुड नॉट बियर, उस बात को वो यह नहीं सहन कर सके, उसको वो अच्छी तरीके से अपने मन में इस बात को नहीं बचा सके कि एक हिंदू प्रीस्ट, यानी एक पादरी का, हिंदू पादरी का, पुजारी का एक बच्चा जो है, उनका पुत्र जो है, वो एक मुस्लिम लड़के के साथ में बैठे, इस बात को वो बहुत अधिक सहन नहीं कर सके। इन अकॉर्डिंग विद आवर सोशल रैंकिंग एज ए न्यू टीचर सा एट, इन अकॉर्डिंग टू द सोशल रैंकिंग, जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक नया अध्यापक के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों हैं उन दोनों व्यक्तियों के अंदर देखी गई, कलाम उन दोनों व्यक्तियों के साथ देखी गई। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, अब उनके द्वारा मुझे पीछे के बेंच में जाकर के बैठ जाने को कहा गया। आई फेल्ट वेरी सेड एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। आई फेल्ट वेरी सेड, तभी जो है उनके द्वारा इस प्रकार का स्थान परिवर्तन कर दिए जाने और पीछे बैठ दिए जाने के कारण मुझे अपने आप में बहुत अधिक दुख महसूस हुआ, और इसी प्रकार का दुख भी रामनाथ शास्त्री को भी दुख महसूस हुआ। ही लुक्ड अटेरली डाउन कास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रूम,
ही लुकड अटरली डाउन कास्ट। इसका मतलब हुआ सेड और डिप्रेस होना, वो बहुत ही अधिक सेड डिप्रेस यानी बहुत ही अधिक दुखी और उदास दिखाई दिए जब उनको लास्ट पंक्ति में लास्ट रो के अंदर शिफ्ट कर दिया गया, उस स्थान से दूसरे स्थान पर लास्ट पंक्ति में बैठने के लिए स्थान परिवर्तन कर दिया गया, उनका स्थान चेंज कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू देयर लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो इस प्रकार की द इमेज ऑफ द वीपिंग, उनके इस प्रकार की रोने की जो कल्पना जो थी उसका प्रभाव जो था, जो कि जिसको कि पीछे उन्हें बैठने के लिए स्थान छोड़ करके पीछे बैठने के लिए कह दिया गया था, और उनकी इस प्रकार की रोती हुई उस भावना को, उस इमेज और उस कल्पना को देख करके जिसका प्रभाव जो था उसने उस पर एक अमिट ही छाप छोड़ दी, एक अलग सा ही अच्छा सा प्रभाव जो था उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया। After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children. आफ्टर स्कूल, अब इसके पश्चात, स्कूल के पश्चात में जब स्कूल का समय जो था समाप्त हो चुका था और वी वेंट होम और हम सभी जो हैं अपने घर गए एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और रेस्पेक्टिव पेरेंट्स मीन्स यहाँ पे तात्पर्य हो गया कि हमने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को इस इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में उन्हें बताया। अब लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, तभी लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा उन्हें न्यू अपॉइंट टीचर को समन किया गया, उन्हें बुलाया गया इन अवर प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में उन टीचर को बुलाया गया एंड टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, और उन न्यू टीचर को ये कहा गया कि उनके द्वारा सोशल इक्वलिटी यानी सामाजिक असमानता और कम्युनल इनटॉलरेंस और सांप्रदायिक असहनशीलता की भावना का जो है इस प्रकार के इनोसेंट और भोले भाले बच्चों में इस प्रकार की भावना और पॉइजन जैसे जहर को उन बच्चों में, भोले भाले बच्चों में न फैलाया जाए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. He bluntly asked, उनके द्वारा बड़ी ही कठोरता से, बड़ी ही शक्ति के साथ उन टीचर को ये कहा गया कि either apologize, या तो आप क्षमा मांग लें या तो आप माफ़ी मांग लें, apologize means क्षमा और माफ़ी मांगना, और quit the school, और या फिर वो स्कूल को छोड़ दें, एंड द आइलैंड, और इस द्वीप समूह यानी रामेश्वरम इस द्वीप समूह को भी छोड़ दें। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन से, तो इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया का उन टीचर पे यह प्रभाव हुआ कि नोट रिग्रेट हिज बिहेवियर, तो उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया था उसके लिए उन्हें रिग्रेट मीन्स दुख और अफसोस होना, तो इसके लिए उन्हें न केवल दुख और अफसोस ही हुआ बल्कि बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द कन्विक्शन मतलब हुआ कि बहुत अधिक उस अपराध को स्वीकार कर लिया जाना जो कि बहुत बड़ा अपराध उनके द्वारा किया गया था उन्नीसेंट बोले वाले बच्चों के साथ, उनके द्वारा उस बहुत बड़े इस अपराध को भी स्वीकार कर लिया गया। लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर, और अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार, और रिफॉर्म मैंने सुधार कर लिया जाना, तो लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा उन आखिरकार और नए अध्यापक में सुधार करवा दिया गया। On the whole, the small society of the Rameswaram was very rigid in the term of the segregation of different social groups. On the whole, यानी कुल मिलाकर के ना द स्मॉल सोसाइटी ऑफ द रामेश्वरम, कि रामेश्वरम की वो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा समाज जो था वो वेरी रिजिड, जो कि उसमें बहुत ही सख्ती और बहुत ही कठोरता बढ़ती जाती थी इन टर्म ऑफ द सेग्रेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी समाज के अंदर रामेश्वरम समाज के अंदर लोगों के अंदर जो समूह बने हुए थे उन लोगों के अंदर जो एक अलगाव की भावना भरी हुई थी उसमें उनके द्वारा जो थी समाज के द्वारा बहुत ही सख्ती और कठोरता बरती जाती थी। However, my science teacher C. Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel.
यद्यपि हमारे जो साइंस टीचर जो थे जिनका नाम शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, जो कि क्या थे, बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी ब्राह्मण थे, यानी बहुत ही अधिक रूढ़िवादी विचारों यानी पुराने विचारधाराओं के ब्राह्मण थे एंड वेरी कंजर्वेटिव। हिज वाइफ और उनकी पत्नी जो थी वह भी बहुत अधिक रूढ़िवादी और पुराने ख्यालतों और विचारों वाली महिला थी। वो समथिंग ऑफ ए रेबल, जिसको कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानो बहुत ही अधिक विद्रोह उत्पन्न करने वाली हो, है ना, इस प्रकार की भावना मानो उनके अंदर हो। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम बेयरिंग बैकग्राउंड कूट मिंगल इजीली। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स। ब्रेक सोशल बैरियर्स मीन्स सामाजिक अवरोध जो थे उनको तोड़ने का उनके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। बेस्ट से बेस्ट जितना अच्छा वो प्रयास कर सकते थे उतना अच्छा प्रयास उनके द्वारा किया गया कि उन समाज के अंदर लोगों के द्वारा जो अवरोध, जो बाधाएँ जो उत्पन्न की जा रही हैं लोगों के अंदर, उन बाधाओं को, उन अवरोधों को दूर किया जा सके, उनको अच्छे से तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। सो दैट पीपल फ्रॉम बेयरिंग बैकग्राउंड, ताकि लोगों के अंदर जो एक विभिन्न प्रकार की बेयरिंग बैकग्राउंड मीन्स विभिन्न प्रकार की जो लोगों के अंदर अवधारणाएं, जो पृष्ठभूमि, उन लोगों के अंदर जो भावनाएं बनी हुई थी, वुड मिंगल इजीली, उनमें वो व्यक्ति जो थे, समूह के अंदर जो व्यक्ति थे वो आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल सकें और अपनी भावनाओं को और विचारों का आदान प्रदान कर सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. अब क्या था कि he used to spend hours with me. अब वो अपना अधिकांश, वो मीन्स कलाम जो थे अपना अधिकांश समय जो थे वो घंटों के काफ़ी समय मेरे साथ बिताया करते थे। एंड वुड से कलाम और उनके द्वारा यह कहा गया कि कलाम I want you to develop you, कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप में डेवलप करो, तुम अपने आप में विकास करो और तुम अधिक बहुत अधिक उन्नति करो, सो दैट यू आर ऑन पर विद हाईली एजुकेटेड, जिससे कि तुम एक बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति बन सको ऑफ द बिग सिटी, इस बड़े शहर के अंदर एम उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सको और ऊँचे पद को प्राप्त कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। तभी एक दिन उनके द्वारा मुझे भोजन पर उनके द्वारा घर पर आमंत्रित किया गया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। अब उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी के जो थी वह बहुत ही अधिक हॉरिफाइड भी बहुत ही अधिक डरी हुई सी और बहुत ही अधिक भयभीत सी थी इन भावनाओं को, उन विचारों को लेकर के कि वह जो थे कलाम जो थे, जो कि मुस्लिम बॉय थे, मुस्लिम विचारधारा मुस्लिम व्यक्ति थे और बिंग इन्वाइटेड टू डाइन, जिनको कि डाइन मीन्स जिनको भोजन पर निमंत्रित किया गया था इन हाईली रिचुअल प्योर किचन, जो कि हाईली रिचुअल यानी बहुत ही अधिक, चूँकि वो लोग ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे तो पूजा पाठ में वो बहुत अधिक विश्वास किया करते थे, तो अपनी वो किचन में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया करते थे। तो इस प्रकार की भावनाएं जो थी उनके मन में ये डर और भय पैदा कर रही थी। सी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। तभी जो था उनकी पत्नी के द्वारा मुझे इनकार कर दिया गया कि वह उसे किचन में उनको कलाम को भोजन नहीं परोसेंगी। श्री सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नोट पटर्ब। तब क्या हुआ, श्री सुब्रमण्यम अय्यर जो थे बहुत अधिक पटर्ब ने बहुत अधिक परेशान होना, वो बहुत अधिक परेशान भी नहीं हुए। नोट डिड ही ग्रेट एंग्री विद हीज वाइफ, और न ही वह अपनी पत्नी पर बहुत अधिक क्रोधित और नाराज ही हुए। बल्कि इसके बजाय साउंड भी विद हीज ऑन हैंड, बल्कि इसके बजाय उन्होंने स्वयं ही अपने स्वयं के हाथों से मुझे मील जो था वह सर्व किया, मुझे भोजन परोसा। एंड सेट डाउन बिसाइड मी
टू ईट हीज मेल, और वो अपने भोजन को लेने के लिए मेरे साथ अपने भोजन को लेने के लिए मेरी बगल में ही बैठ गए। हिज वाइफ वॉज अस विद बिहाइंड द किचन डोर। अब क्या था, उनकी पत्नी जो थी वो किचन में ही थी, और किचन में पीछे की ओर जो डोर बना हुआ था, जो दरवाज़ा बना हुआ था, उस दरवाजे में से मुझे बड़े ही ध्यानपूर्वक मुझे वॉच कर रही थी, मेरी निगरानी कर रही थी, मुझे ध्यानपूर्वक देख रही थी। I wondered whether she had observed any differences in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. I wonder, अब मैं ये जानना था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मैं ये wonder means मैं जानना चाहता था, मुझे ये आश्चर्य हुआ कि कहीं कि whether she had observed any differences, कि क्या वो मेरे में किसी प्रकार की भिन्नता और किसी कुछ अलग प्रकार का बिहेवियर व्यवहार तो मेरे में नहीं देख रही हैं, जिस प्रकार से मेरे द्वारा आई एट राइस, मेरे द्वारा जब चावल खाए गए, ड्रिंक वाटर, और मेरे पानी पीने का जो तरीका था उस तरीके में कोई अंतर तो नहीं पाया गया, और क्लीन द फ्लोर्स आफ्टर द मील, और भोजन के पश्चात में जब मेरे द्वारा फर्श को साफ किया गया तो उन सभी बातों में मेरे अंदर कोई काम को करने में कोई भिन्नता तो नहीं पाई गई, इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानना चाहता था। When I was leaving his house, Sri Subramanyam Iyer invited me to join him for the dinner again the next weekend. अब जब मेरे द्वारा उनके घर को छोड़ा गया, अर्थात जब मैं उनके घर से बाहर निकल रहा था, तो Sri Subramanyam Iyer के द्वारा मुझे वापस invited किया गया टू द मील, कि भोजन के लिए आमंत्रित किया गया, निमंत्रित किया गया, टू ज्वाइन हिम, कि वापस उसके साथ डिनर पे सम्मिलित हो नेक्स्ट वीक में, यानी अगले सप्ताह जब वापस आएगा तो वो भोजन पर वापस हमारे साथ खाने पे निमंत्रित हैं, ऐसा उनके द्वारा इनवाइटेड किया गया। ऑब्जर्विंग माय हेजिटेशन ही टोल्ड मी नोट टू गेट अपसेट, सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम हैव टू बी कन्फ्रंटेड। अब उनके द्वारा ये कह गया कि ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, जब उनके द्वारा ये देखा गया कि मैं बहुत ही हिचकिचा रहा हूँ, और हिचकिचाहट की इस प्रकार की भावनाओं को ऑब्जर्व करते हुए, ध्यान से देखते हुए जब माना कि उन्होंने ध्यान दिया है, तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि नोट टू बी गेट अपसेट, अब तुम्हें बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेइंग, और यह कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज योर सिस्टम, कि एक बार यदि तुमने अपनी व्यवस्था, अपनी सिस्टम को, अपनी व्यवस्था को चेंज करने का यदि तुमने निश्चय कर ही लिया है, तो सच प्रॉब्लम है टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड मैंने फेस किया जाना, सामना किया जाना, तो अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी समस्याएं आती हैं, तो हमें उसका सामना करना ही होगा। When I visited his house the next week, Sri Subramanyam Iyer's wife took me inside the kitchen and served me food with her own hand. जब मुझे उनके घर पर भोजन के लिए वापस दोबारा नेक्स्ट वीक में मुझे इनवाइट किया गया, मुझे निमंत्रित किया गया, तो Sri Subramanyam Iyer's wife took me inside the kitchen. तो Sri Subramanyam Iyer की जो पत्नी थी वो मुझे किचन के अंदर मुझे ले गई, एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ऑन हैंड, और उन्होंने, तब फिर क्या हुआ, उनमें बदलाव आ गया, और उन्होंने अपने स्वयं के हाथों से ही मुझे किचन में भोजन परोसा। Then the second world war was over and India's freedom was imminent. और तभी क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह ओवर मीन्स समाप्त जो था वह समाप्त हो चुका था, और फ्रीडम वॉज इमीनियंट, इमीनियंट बिल्कुल नज़दीक और पास में होना, मानो लगभग फ्रीडम यानी स्वतंत्रता जो थी मानो लगभग हमें मिलने ही वाली थी, हम लगभग उसके बहुत अधिक करीब और पास में थे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, यानी डिक्लेयर्ड गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया, यह घोषणा की गई कि भारतीय लोग ही अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे। बिल्ड करना मीन्स निर्माण करना, और ऑन इंडिया मीन्स अपने स्वयं का भारत जो है वो स्वयं ही भारत के लोग ही निर्माण करेंगे, ऐसी घोषणा जो थी वो गांधी जी के द्वारा की गई। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अब क्या था, पूरा संपूर्ण देश जो था वो फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स पहले से ही, और ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद से भरा हुआ, यानी आशा की भावनाएं
जो थी उनमें पहले से संजोई हुई थी, पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर आशावादी भावना जो थी पहले से ही भरी हुई थी। आई आस्क माय फादर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर इन रामनाथपुरम। अब मैंने अपने पिताजी से अनुमति मांगी, परमिशन माने अनुमति मांगी टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम से प्रस्थान करने के लिए, रामेश्वरम माने रामेश्वरम से प्रस्थान करने की और वहाँ से रामेश्वरम छोड़ने की, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर माने मुख्यालय में, जिले मुख्यालय के अंदर रामनाथपुरम में मैंने अध्ययन करने के लिए उनसे परमिशन अर्थात अनुमति मांगी। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have go away to groom. इस प्रकार से मानो वो जोर से बोलते, thinking aloud, यानी जोर से बोलने का सोचते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अब्दुल आई नो यू हैव टू अवे गो अवे टू ग्रो, अब तुम्हें अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को और अधिक उन्नति, शिक्षा में और अधिक उन्नति पाने के लिए, अपने और अधिक विकास करने के लिए अब तुम्हें क्या होगा, हैव टू गो अवे, तुम्हें अब यहाँ से जाना ही होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट। सीगल मीन्स समुद्री पक्षी, कि क्या एक समुद्री पक्षी जो है वो अकेले उस सन अलोन की धूप में, तेज धूप के अंदर अकेले और विदाउट ए नेस्ट, और बिना क्या अपने बिना अपने घोंसले को लिए ही क्या वह उड़ता नहीं है। दे आर द सन्स सॉरी ही क्विटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। तो उन्होंने खलील जिब्रान की उन पंक्तियों का उल्लेख किया, उन पंक्तियों को स्पष्ट किया, क्विटेड मैंने स्पष्ट करना, उल्लेख करना खलील जिब्रान की उन पंक्तियों को, माई हेजिटेंट मदर, मेरी अपनी हिचकिचाती हुई माँ को वो मैंने उन खलील जिब्रान की पंक्तियों का वर्णन किया, उनके सामने उन पंक्तियों को स्पष्ट किया। यो सिल्ड्रन, उनका ये कहना, यो सिल्ड्रन आर नॉट योर सिल्ड्रन, उनकी पंक्तियों के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि यो सिल्ड्रन आर नॉट योर सिल्ड्रन, ये तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम्हारे अपने स्वयं के बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ द लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ, और ये बच्चे जो हैं इनकी अपनी स्वयं की लाइफ लॉन्गिंग है, इनकी स्वयं की अपनी लंबी, स्वयं की अपनी खुद की, इन पुत्र और पुत्रियों की इनकी स्वयं की अपनी इच्छाएँ हैं। They come through you but not for you, वे क्या हैं, वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से आए हैं। They come through you, वो तुम्हारे माध्यम से ही आए, but not from you, वो तुमसे नहीं आए हैं बल्कि तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे द्वारा आए हैं। You may give them your love, तुम जो हैं हमें उन्हें अपना प्रेम और प्यार दे सकती हो, but not your thoughts, लेकिन उन तुम अपने विचारों को उन पर थोप नहीं सकती। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्यों, क्योंकि उनके अपने स्वयं के अपने विचार होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर, जिस पार्ट सेकेंड माय चाइल्डहुड का जो आपने पढ़ा, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।